नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी यूपी की सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को कांग्रेस का टिकट देने का ऐलान किया है, जिसे पूरा भी किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी कड़ी में शेखुपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी फराह नईम ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने बदायूं के कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आइए सुनवाते हैं न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी फराह नईम ने क्या कहा। बदायूं का संगठन महिलाएं बदायूं के संगठन में सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से मैंने टिकट की दावेदारी करी और मैंने लड़ाई करी, ओंकार सिंह ने उसको रोकने के लिए मेरे चरित्र पर लेकर कीचड़ उछाली, महिलाओं के चरित्र पर कीचड़ उछाली है। उनका कहना है मुसलमानी महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाए, जबकि हर जाति का वोट कांग्रेस को चाहिए, हर बिरादरी चाहिए, लेकिन ओंकार सिंह ने मेरे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, हर कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, हर तरीके से टिकट को रोकने की। तो आज मैं चाहती हूं कि ओंकार सिंह जैसे लोग इस संगठन में मौजूद हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी और मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा देती हूं। क्या आरोप लगाए गए हैं आपके? मेरे पे ये आरोप लगाए गए हैं, सबसे पहले तो ये बताया गया है कि मेरे पास अपने खाने के लिए भी 1 रुपया नहीं है। दूसरा आरोप है कि मैं चरित्रहीन हूँ। तीसरे आरोप, बहुत सारे ऐसे अनगिनत आरोप हैं कि जो मैं गिनते गिनते थक जाऊंगी, लेकिन उन आरोपों ने मुझे आघात बहुत किया, लेकिन मैंने भी तय करा है कि मेरी हिम्मत है, क्योंकि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और मैं लड़ूंगी और मैं टूटूंगी नहीं, मैं आगे सेवा करूंगी और हर उस किनारे पर आकर खड़ी होंगी जहां महिला को सुरक्षित नहीं बताया जाएगा और महिला को अकेला समझा जाएगा। जब मुझसे प्रभारी लोगों ने फोन पर सवाल किए, मेरे कानों पर हाथ रख गई, मैंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की और ओंकार सिंह ने मेरे लिए इतने गंदे शब्द यूज करे, लेकिन मैं आभारी इस बात की भी हूँ कि प्रियंका गांधी जी ने ये साबित कर दिया कि महिला लड़ सकती है। वही ताकत आज मैं बोल रही हूँ कि हाँ मैं लड़ सकती हूँ, लेकिन ओंकार सिंह जैसे संगठन में लोग हैं, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी और सदस्यता भी वापस करती हूँ कि कांग्रेस में भी नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं पूरे तरीके से आघात हूँ। दरअसल कांग्रेस ने बुधवार को 89 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें बदायूं की शेखपुर विधानसभा सीट से फराह नईम को उतारा गया था, लेकिन एक दिन बाद ही उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, साथ ही पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। उनका आरोप है कि बदायूं के पार्टी के जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह उनको लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये तक कह दिया था कि मुस्लिम महिलाओं को चुनाव में टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह ने इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में तमाम महिला पदाधिकारी हैं, 2 महिला प्रत्याशी अन्य भी हैं, उनकी वीडियो सुने, कभी कोई भी महिला ऐसे आरोप नहीं लगा सकती। फराह नईम जिस तरह से आरोप लगा रही हैं उसका कोई रिकॉर्ड तो दिखाएं, वैसे ऐसे बेवजह किसी पर आरोप लगाना सही नहीं है। हमने अगर किसी से कुछ कहा है तो रिकॉर्ड दिखाएं, वो बेवजह बदनाम करने की कोशिश ना करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।